में यदि कोई मुद्दा आपको लगे ऐसा है, मैं आपके घर का हूँ, आपके हॉस्टल में चाहोगे तो मैं हॉस्टल में आ जाऊंगा, आप चाहो तो मेरे पास सेक्रेटरी में बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। सेक्रेटरी भी ताको है ताकि हॉस्टल की माखी है, मैं आ जाऊँगा, आपको लगे कोई दिक्कत नहीं। मैं तो ऐसा आदमी, मुझे कहीं बुलाओगे मैं आ जाऊँगा। तो मैं यूनिवर्सिटी में आता हूँ तो मुझे ऐसा नहीं लगता मैं कहीं जा रहा हूँ। मैं तो बहुत बार यहाँ पे यूनिवर्सिटी में अकेला गाड़ी लेके चला के निकल के जाता हूँ, जो कि मेरी यादें यहाँ पर है। तो मैं तो कई बार एक दो चार लोग मिल गए मुझे पुराने चौकीदार, यार मैंने अकेला ही घूम रही हूँ, मैं अकेले ही ठीक है, कोई गोली पकड़े माने तू पकड़ रही है। इस यूनिवर्सिटी में भी आने से डरेंगे तो भी बेकार है, फिर पॉलिटिक्स छोड़ देंगे। जिस दिन यूनिवर्सिटी में आने से डर लगेगा उस दिन मैं राजनीति छोड़ दूंगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट जो मेरे छोटे भाई हैं, यदि वो हमारा विरोध करेंगे तो हम जाएंगे कहां? आपको हमारी ताकत, मैं आपको बधाई देता हूँ आपके सफल संघर्ष के लिए, और बच्चियों को भी बधाई देता हूँ, आप बैठी है बहुत बड़ी बात, क्योंकि जहाँ गर्ल्स आ जाती है वहाँ से भी काम हो जाता है सारा, क्योंकि हमारे जमाने में भी जब हमारे वाले कमजोर पड़ते थे तो मैं गर्ल्स हॉस्टल की मदद लेता था। मेरे टाइम पे तो बड़ा दिक्कत हो गई थी, एक बार मैंने यहाँ कलेक्टर और एसपी को बंद कर दिया, क्योंकि राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था, चन्ना रेड्डी यहाँ के गवर्नर थे, कलेक्टर एसपी बंद कर दिया, कोर्ट में निकाले कौन, अंदर बंद हो गए आदेश देने वाले, तो बड़ा झंझट हुए। एक बार हमने प्रधानमंत्री को नहीं उतरने दिया यहाँ, 7 बार राजस्थान बंद हो, जयपुर में जनता कर्फ्यू लगाया, तो जनता कर्फ्यू में ये कह दिया कि पुलिस हमसे पास लेके निकलेगी तो टकराव हो गया। लेकिन मेरा ये मानना है हम तो इतना टकराव करके ताकत दिखाते थे, आप तो फोन पे बुलाने की ताकत रखते हो यार, ये इस राजस्थान यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ी बात है कि आप फोन करते हो हमें लगता है हमारे घर में बुला रहे हो। तो बात क्या आया ना, मैंने नर्सी से क्या कहा, मैं मेरी गारंटी लेता हूँ मैं आ जाऊंगा, चल के बुला लेना कहीं।